हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, लॉकडाउन में जो है वो अब ढील मिलने लगी है और जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। महाराष्ट्र पर कोरोना की सबसे बड़ी मार जारी है। देश में महाराष्ट्र पहले पायदान पर अब भी बना हुआ है। मुंबई में क्या है कोरोना का हाल, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तेजी से बढ़ता कोरोना लोगों को अपना शिकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। देश में कोरोना का सबसे सख्त कोड़ा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पड़ा है। जिस मुंबई की पहचान रफ्तार के लिए होती है, आज वहां कोरोना की रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया है। कोरोना की इस रफ्तार के शिकार पुलिस के जवान भी हो रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों के कोरोना शिकार होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 60 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक करीब 1400 पुलिस कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 142 अधिकारी भी शामिल हैं। कोरोना से 12 पुलिस कर्मियों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन के शुरुआत से ही मुंबई में प्रवासियों का पलायन लगातार जारी है। लॉकडाउन में राहत मिलने और कामकाज शुरू होने के बावजूद लोग लगातार अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। कल बांद्रा टर्मिनस पर ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ अफवाह के कारण इकट्ठा हो गई थी। बिना रजिस्ट्रेशन और पास के जमा हुए लोगों को पुलिस ने वापस कर दिया था। कल की गलती को सुधारते हुए आज प्रशासन पहले से मुस्तैद नजर आया। श्रमिक एक्सप्रेस के लिए रजिस्टर्ड लोगों को बेस्ट की बसों में लाने के अलावा स्टेशन परिसर की भी नाकेबंदी कर दी गई। मैं इस वक्त बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नजदीक हूं और आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। सड़क पर एक दो वाहन नजर आ रहे हैं, बेस्ट की बस नजर आ रही है। उसके पीछे वजह है कि इस पूरे इलाके में जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है और बांद्रा टर्मिनस रेलवे परिसर में सिर्फ उन्हीं मजदूरों को इजाजत दिया जा रहा है जिनके पास उचित पास है, साथ ही साथ टिकट है। महाराष्ट्र शुरुआत से ही कोरोना कैपिटल बना हुआ है। देश के 1,06,000 में से 37,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही है। वहीं 1,320 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले मुंबई में 22,000 से ज्यादा केस हैं। मुंबई में कोरोना से 800 से ज्यादा मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के ये आंकड़े डराने वाले हैं। करीब 2 महीने बाद दोबारा लोग कामकाज पर लौट रहे हैं, लेकिन कोरोना से अभी सावधान रहने की जरूरत है। हमारी अपील है कि बाहर निकलने पर पूरी सावधानी बरतें और सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का जरूर पालन करें।